जो भी लोग हैं यहाँ पे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग हम लोग समझते हैं। इस बिजनेस में तीन तरह के लोग होते हैं। इस बिजनेस में कितने तरह के लोग होते हैं? तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है कंज्यूमर, यानी कि ग्राहक। वो क्या करता है? प्रोडक्ट लेता है, इस्तेमाल करता है, बस। प्रोडक्ट लिया, इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, अगले महीने फिर ले लिया, वो केवल कंज्यूमर है। दूसरे तरह का व्यक्ति कौन होता है? रिटेलर। वो क्या करता है? प्रोडक्ट खरीदता है डीपी पे और सेल कर देता है एमआरपी पे, और बीच में वो कैश का इनकम कमा लेता है। तो पहला हुआ कंज्यूमर, दूसरा हुआ रिटेलर, और तीसरा हुआ नेटवर्कर, जो अपने नीचे नेटवर्क का विस्तार करता है, जिसमें बहुत से लोग कंज्यूमर होते हैं, बहुत से लोग रिटेलर होते हैं, बहुत से लोग उसके जैसे नेटवर्कर भी होते हैं। तो इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो होती है नेटवर्कर की। इस बिजनेस में पूरी दुनिया के लोगों को ये बिजनेस क्यों आकर्षित करता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। 15 मिनट का टॉपिक है, सब लोग ध्यान केंद्रित करेंगे कि पूरे विश्व में इस बिजनेस को में लोग आकर्षित होते हैं, उसका क्या कारण है, उसका कारण समझते हैं। इनकम दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? कोई भी कमाई आपके अपने समय को लगाकर, मेहनत को लगाकर जब की जाती है वो एक्टिव इनकम होती है। कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है वो एक्टिव इनकम है, जो व्यक्ति दुकान पे बैठा है जो भी कमाता है वो एक्टिव इनकम है। हमारे बिजनेस में जो रिटेलर्स हैं, जो डीपी पे खरीदते हैं, एमआरपी पे बेचते हैं, वो एक्टिव इनकम करते हैं। और एक्टिव इनकम की एक लिमिट है, लिमिट सीमा, इसकी एक सीमा है, ये उस सीमा से आगे नहीं बढ़ पाती है। उसके बाद आती है पैसिव इनकम। इसको समझिएगा, ये वो कारण है जो दुनिया भर से लोगों को इस बिजनेस की ओर आकर्षित करता है, इस चकाचौंध की ओर आकर्षित करता है, वो है पैसिव इनकम। मान लीजिए आपके पास एक करोड़ रुपया है, आपने उसको बैंक में एफडी कर दिया, साल का ब्याज मिलेगा 7%, यानी कि 7 लाख, यानी कि महीने का मोटा मोटा 50,000 प्लस, ये पैसिव इनकम। उस ब्याज के लिए आप क्या पूरे महीने कुछ कर रहे हैं? आपने तो पैसा वहां पे डाल के छोड़ दिया, वो है पैसिव इनकम। आपने कुछ नहीं किया पूरे महीने उस पैसे को पाने के लिए, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया। अगर हम और आप मिलकर एक घर बनाएं और उसको किराए पे दे दें, तो वो जो किराए की इनकम हर महीने हमें मिलेगी वो क्या है? पैसिव इनकम। आपको कुछ करना है उसके लिए? एक ही बार करना है, एक बार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घर बनाना पड़ेगा। एक बार आपने घर बना लिया अच्छे से मजबूत, उसको किराए पे चढ़ा दिया, अब आपको हर महीने कुछ ना कुछ इनकम आता रहेगा, दैट इज पैसिव इनकम। घर बनाने के लिए क्या लगता है? घर बनाने के लिए तीन मुख्य चीजें लगती है। सबसे पहली चीज क्या लगती है? जगह, यानी कि लैंड, प्लॉट चाहिए ना आपको घर बनाने के लिए। दूसरी चीज क्या लगती है? ईंटें, ब्रिक्स, ईंटा बोलते हैं ना आप लोग, वो लगता है। और तीसरी चीज क्या लगती है? मुख्य चीज सीमेंट, उन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए। हमारे इस व्यवसाय में, हमारे इस बिजनेस में ईंटें कौन है? हम सब ईंटें हैं। हम सब कौन है? ईंटे हैं। सीमेंट क्या है? कस्टमर। हम लोग जो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हमें जो इस बिजनेस पे विश्वास है, हमें जो इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास है, हमें अपनी अपलाइन पे विश्वास है, हमें कंपनी पे विश्वास है, उसी विश्वास में हम सबको आपस में बांधा हुआ है। तो विश्वास है वो सीमेंट जिससे हम आपस में जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो लैंड क्या है, कौन बताएगा? एआरएल। लैंड क्या है?
लैंड है ये सेमिनार हॉल, यहाँ पे जब आप अपने नेटवर्क की सारी ईंटों को इकट्ठा करके यहाँ पे जब लाते हैं और यहाँ पे आपके माहौल की वजह से, एनर्जी की वजह से, लीडर्स की वजह से जब विश्वास का सीमेंट उन ईंटों के ऊपर लगता है और वो आपस में मजबूती से जुड़ती हैं, उससे बनती है आपकी वो इमारत, आपका वो ढांचा। तो जितने भी लोग रेगुलर बेसिस पे अपने सभी लोगों को कंपनी के प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में लाते रहेंगे, उनकी वो ईंटें, उनके वो लोग विश्वास से भरे रहेंगे, जुड़े रहेंगे और आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो ढांचा है वो मजबूत बना रहेगा। और ये विश्वास कहां से पैदा होता है? जब आप यहां पे बाकी लोगों से मिलते हैं, उनको देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको समझते हैं, आपको दिखता है अच्छा उसने गाड़ी ले लिया, अच्छा उसने घर बना लिया, उसने दो तल्ला का मकान बना लिया, उसने प्लॉट ले लिया, तब आपको समझ में आता है कि यस ये सब कुछ पॉसिबल है और अगर इन लोगों के लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। और वहीं से आपका जो विश्वास है वो पक्का होता है और वहीं से आपका जो कारोबार है, आपका जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ता है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इसलिए रिजल्ट नहीं निकाल पाते क्योंकि इस बिजनेस में क्या नहीं है, हमारा कोई बॉस नहीं है, हमें कहीं समय पे पहुंचने की जरूरत नहीं है, हमारा कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। अगर आप नौकरी करते तो 9 बजे ऑफिस पहुंचते? यस यू नो? यस। कितने घंटे काम करते? 8 घंटे काम करते, शाम को वापस पहुंचते। अगर आप 9 से लेट होते तो क्या होता? डांट पड़ती, किसी की सुननी पड़ती। 4-5 दिन लगातार लेट होते तो क्या होता? शायद नौकरी ही चली जाती। यहां पे क्या होता है, हम अपने व्यवसाय के मालिक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किए किए, नहीं किए नहीं किए, सो के उठे 7 बजे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे उठे तो क्या हो गया, मालिक है, मालिक मालिक कभी भी उठ सकता है, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मालिक मीटिंग में जाए तो बढ़िया, ना जाए तो उसकी मर्जी, मालिक ट्रेनिंग करे तो करे, ना करे तो कौन करा सकता है, मालिक तो मालिक है ना। तो ऐसे मालिक सारे फेल हो जाते हैं। तो अगर हम इस बिजनेस में नौकरी का डिसिप्लिन ले आए, नौकरी का डिसिप्लिन ले आए, 9 से 6 काम करने का डिसिप्लिन ले आए, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अपडेट करने का डिसिप्लिन ले आए, तो ये बिजनेस 500-700 हजार लोग जो नौकरी कर रहे हैं ना, उतना पैसा यहां अकेला एक आदमी कमा सकता। बहुत लोगों को लगता है कि ये बिजनेस यहां से शुरू होता है, ये क्या है, रिटेल बोनस। बहुत लोगों को लगता है कि ये बिजनेस यहां से शुरू होता है, असल में ये बिजनेस यहां से शुरू होता है, ये क्या है, डायमंड। आपके बिजनेस की शुरुआत ही यहां से होती है, आप पूरा कमीशन जो है यहीं पे कमाना शुरू करते हैं, उससे पहले तो पूरा कमीशन भी नहीं मिलता है। तो हम सबको सबसे पहले जो जिस लेवल पे है, कोई चिंता नहीं कर रही है, जो जिस लेवल पे है उस लेवल से एक लेवल आगे जाना है। आप रिटेल पे हैं तो टीम बोनस लेवल पे जाना है, टीम पे हैं तो लीडरशिप पे जाना है, और लीडरशिप पे हैं तो डायमंड पे जाना है।